घर में कोई है क्या? कोई है? अरे मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। कितनी ठंड है यहाँ पर। हेलो हेलो, मुझे लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। वाह, कितना शानदार मॉन्स्टर मॉडल है। कितना असली लगता है, बहुत सुंदर। ये तो असली है। मशहूर फायर फ्रॉग, ये तो बहुत खतरनाक है। ये क्या है? हमला करना बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका है। कौन? कौन? मॉन्स्टर तो नहीं है ना? देखो बच्चे, मैं मॉन्स्टर रिसर्च सेंटर का बॉस हूँ, कोई मॉन्स्टर नहीं। बॉस, आप तो बॉस हो। आपका लंबा चौड़ा शरीर कितना शानदार है, आपको पता ही नहीं है। आप ये बता सकते हैं कि मैं यहाँ का मेंबर बन सकता हूँ? क्या कहा तुमने? तुम उतने बहादुर और फुर्तीले नहीं हो, और हमें तुम्हारे जैसों की जरूरत नहीं है। वो क्या है? अरे मुझे बॉबी कहकर बुलाओ। मुझे लगता है कि मेरे बॉस सही कह रहे हैं, तुम एकदम गोल मटोल हो। हाँ, तुम लुढ़कने के लिए अच्छे हो बच्चे। गोल मटोल और मोटा। गोल मटोल और मोटा, बॉबी तुम मुझे कह रहे हो क्या? खोपड़ी, मैंने उससे कहा है, मैंने लुढ़कने के लिए कहा। लुढ़कने के लिए, समझ गया, मैं अभी लुढ़कता हूँ। मुझे लगता है कि समय के साथ सब कुछ सीखा जा सकता है। हो सकता है कि भविष्य में वो टीम का एक अच्छा मेंबर साबित हो। बॉस, क्या आप मुझे मौका देंगे? मैं आपको निराश नहीं करूँगा। बोलो मत, मैं बॉस हूँ और मैं तुम्हें ना कह चुका हूँ। अब यहाँ से चले जाओ। आए बड़े। उन्होंने अपना इरादा बदल लिया? फिलहाल तो नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि कोशिश करते रहो। मुझे विश्वास है, मेहनत करते रहोगे तो एक दिन टीम के मेंबर जरूर बन जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब गाड़ी में बैठ जाओ, मॉन्स्टर आ गए हैं। ठीक है। वाह, कितनी शानदार कार है, बुलेट प्रूफ, ग्लास के 12 लेयर्स और सुपर ट्रैकिंग यूनिट, ट्रैकिंग मिसाइल्स, क्लैट फूर एक्टिव स्टिक टायर्स, कंक्रीट हेडस्टॉक, ये तो किसी से भी टकरा सकता है। वाह वाह, मजा आ गया। क्या मैं भी इसकी सवारी कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। रुक जाओ, अरे मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपके बहुत काम का हूँ। अरे कोई बचाओ, बचाओ, प्यारे शहरवासियों, हमारे शहर पर एक दानों ने भयानक हमला किया है। वो बाघ, हिरण, भालू और बंदर का मिला जुला हुआ रूप नजर आ रहा है। अरे बाप रे बाप, ये क्या है? सच में है क्या?
ये बहुत ही खतरनाक है। ये सच में बहुत ही खतरनाक है। अब हमारे एक्सपर्ट्स पर भरोसा करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। शहर को बचाने के लिए इसे खत्म करना होगा। हमला करो। कोई बात नहीं बोबो, अब इसे पकड़कर नाम कमाने का हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। बॉस, आप क्या सोच रहे हैं? बोबो एक काम करो, इलेक्ट्रिसिटी इंजेक्शन निकालो। अब शुरू करो। बिल्कुल। हाई प्रेशर इलेक्ट्रिक पिंजरा तैयार है। खोपड़ी, पहले तुम उसे फंसाओगे। बॉबी, तुम दूसरे नंबर पर रहोगे। बोबो, तुम दोनों की मदद करोगी और मैं संभालूंगा रिमोट कंट्रोल की कमान। एक बार फिर मेरे लिए खतरनाक मिशन। आगे बढ़ो। एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ूंगा। खोपड़ी। कोई बात नहीं, पहला प्रयास सफल नहीं हुआ। बॉबी, अब तुम्हारी बारी है। तुम जरूर उसे पिंजरे में ला पाओगे। बॉस, दरअसल में कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन चारा नहीं। चुपचाप जाओ। तुम तो बाहर दूर हो, पीठ पे हमला नहीं करोगे। देखो मैं पीठ दिखा रहा हूँ, माफ कर दो मुझे। ये हुई ना बात। बस आप उसे मारना चाहते थे कि मुझे मारना चाहते थे? हमें उसे बाहर निकालना होगा। एक सेंटर मेंबर होने के नाते हमें कुछ बलिदान करना होगा। अरे ये क्या, वो हाई प्रेशर इलेक्ट्रिक फ्लो को भी पार कर गया। बोबो, हमें यहां से जाना होगा। मैं एक अरसे से इसका इंतजार कर रहा हूं। अब घुसे को आजमाता हूं। फाइव स्ट्रीट सोल्स चेंज। ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे इस लॉक को अभी इनएक्टिवेट करना होगा, वरना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। फाइव्स स्प्रिट सोल्स चेंज चेंज चेंज। अरे कोई मेरी मदद करो। क्या किसी को पता है कि मॉन्स्टर कहाँ मिल सकता है? अरे मेरी सलाह मानो, आइंदे से ऐसे नहीं गिरना, तुम्हारे नीचे दबके कई लोग मर सकते हैं। ये क्या है? अच्छी कलाकारी है।
इसकी शक्ति का मुझे एहसास हो रहा है। अरे अरे ये मैं उतार क्यों नहीं पा रहा इसे। वाह ये तो दुनिया को हिला सकता है। क्या हो रहा है ये सब? बचाओ मुझे। ये मॉन्स्टर कहाँ गया? वहाँ कहीं ये मेरी आंखों का धोखा था क्या? हाँ कहाँ चला गया था तो सही। ये मेरे हाथों से निकल क्यों नहीं रहा? ये बटन किस लिए? और मैं मॉन्स्टर बन गया? ये बटन किस लिए है? दबा के देखता हूँ। मैं सबसे ताकतवर बन गया। वो रहा मॉन्स्टर, वो रहा मॉन्स्टर। हमला करो, हमला करो। बॉस चिंता मत करो। अरे क्या हो गया? अरे वाह बॉस, सही बढ़िया। गाड़ी बहुत तेज चलती है, कसकर पकड़ कर बैठो, अब तुम नहीं बच सकते। मुझे मत खाना, मैं टेस्टी नहीं हूँ। ये तो नीचे चला गया। बॉबी और मैं नीचे जाएंगे। बोबो अगर वो ऊपर आए तो तुम उसे पकड़ लेना। बिल्कुल। बॉस हम लोग इसे बाद में ढूंढ लेंगे, चले क्या यहाँ से? चुप हो जाओ और मेरे साथ आओ। ओके बॉस। मर गया, कहाँ फंस गया? अरे बॉस वो देखो वहाँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं आ रहा हूँ। अरे बॉस ये तो आपसे डर रहा है। बिल्कुल सही कहा, इसे डराने के लिए मेरा नाम ही काफी है, बस तुम तस्वीरें खींचो। हाँ बॉस। ऐ ओ हो वाह,
अरे छा गए बॉस, बहुत बढ़िया। अरे आप तो हीरो लगते हो बॉस। अब ज्यादा तारीफ मत करो और फोटो खींचो और उसे फेसबुक पर डाल दो। ओके। Hey! वाह बॉस, आपके फॉलोअर्स तो 10 गुना बढ़ रहे हैं। छा गए बॉस। मैं भी देखूं जरा। अरे वाह, और भेजो और पोस्ट करो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हैं, ये क्या है? वो तो भाग रहा है, पकड़ो उसे। अरे बॉस, फेसबुक में पूरी फोटो पोस्ट नहीं हुई। क्या गड़बड़ है? अरे वाह वाह, मैं तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना तुमसे, मॉन्स्टर खतरनाक होते हैं, सावधान रहना चाहिए। हम जरूर सावधान रहेंगे, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम शायद ठीक कह रही हो। क्या तुमने मॉन्स्टर को देखा? नहीं। हमारा पीछा मत करो। अगर मॉन्स्टर सामने आएगा तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। ऐसा कीजिए, आप लोग मॉन्स्टर को ढूंढिए, तब तक मैं घर जाकर लॉलीपॉप्स खाकर आता हूँ। और हाँ, मेरा नाम गट्टू द पावर चैंप है और बहुत लोग मुझे प्यार से गट्टू बुलाते हैं, और वो लोग कहते हैं कि मैं बहुत जल्द सुपर हीरो बनने वाला हूँ। इसकी बातों पर ध्यान मत दो। अरे मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अरे सुनो गट्टू, तुम उदास मत हो, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। ये अच्छी लड़की है। गटर का ढक्कन इतना भारी बनाने की क्या जरूरत है? अरे कोई छोटा बच्चा कैसे उठाएगा उसको? अरे पागल हो क्या? रो क्यों रहा है पागल? हुआ क्या बता दो। मैं इस 5 स्ट्रीट लॉक को खोलने की कोशिश पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ और तुमने एक ही बार में इसे इनएक्टिवेट कर दिया। मैंने बेकार में ही अपनी जवानी बर्बाद कर दी। तुम हो कौन और किस बारे में बात कर रहे हो? अरे मैं वही हूँ जिसने तुम्हें नीचे गिराया था। मुझे याद आया, तुमने ही मुझे मारा था ना वहाँ। ये वही है जिसे तुमने कलाई में पहना था। तो ये है 5 स्प्रिट लॉक। हाँ, जब मैं बहुत छोटा था तो एक सुपर हीरो ने मुझे ये दिया था। मैं बूढ़ा हो गया हूँ बच्चे, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि ये महान मिशन अब तुम संभालोगे। अब से परीलोक की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे निराश मत करना। हीरो ने मुझे ये भी बताया था कि आयरन टाइगर, वुडन एप, आइस डियर, फायर क्रेन और आर्मर बियर को धातु, लकड़ी, पानी, आग और मिट्टी से बनी किसी भी चीज से काबू में किया जा सकता है। एक प्राचीन कहानी के अनुसार इस 5 स्ट्रीट लॉक में 5 पशु योद्धाओं की शक्ति है और जो कोई भी इसे पहनेगा उसमें इसकी शक्ति आ जाएगी। 5 स्ट्रीट लॉक को जब तक किसी को सौंपा नहीं जाएगा इसकी एनर्जी बाहर आती रहेगी। रेड मून की रात जो कि 30 सालों में एक बार आती है, इस ताले का नया मालिक इन 5 आत्माओं को एक कर पाएगा और 5 स्ट्रीट किंग बन जाएगा। बदकिस्मती से 30 साल गुजर गए लेकिन मैं ये शक्ति नहीं ले पाया। इससे बुरा और क्या हो पाएगा कि इसके चक्कर में मैंने अब तक शादी नहीं की।
मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरी सुपर हीरो कौन था, और लानत है उस पर कि इसके लिए उसने तुम्हें चुना। वो मेरे पिता थे। सही है, फाइव स्ट्रीट लॉक को इनएक्टिवेट करके तुमने अपनी काबिलियत मुझे दिखा दी है, और बच्चे दुनिया की रक्षा करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। अरे लेकिन मैं तो टाइगर बन गया था, ये एक तरह का पागलपन नहीं है, ये क्या सुपर पावर है? बिल्कुल सही, बच्चे सिर्फ तुम आयरन टाइगर ही नहीं बाकी चार योद्धाओं का रूप भी ले सकते हो। यदि तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति है तो तुम पांचों शक्तियों को एक कर सकते हो, फाइव स्प्रिट किंग। सच कह रहे हो, मैं अभी बदलना चाहता हूँ। अरे रुक जाओ, हमारा शरीर ऐसी शक्ति लंबे समय तक कायम नहीं रख सकता। देखे न, इसकी एक समय सीमा थी, तुम 12 घंटे पर सिर्फ 10 मिनट के लिए ये रूप ले सकते हो। क्या कहा तुमने, सिर्फ 10 मिनट? ये थोड़ी सही है। यदि तुम ज्यादा देर तक योद्धा के रूप में बने रहना चाहोगे तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा। अभी तो मैं कुछ देर के लिए सोने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद सोचूंगा बदलना है कि नहीं। अरे सुनो तो, मुझे तुम्हें एक और बात बताने की जरूरत है। अरे फिक्र मत करो, मैं गलत काम करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल नहीं करूँगा। सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इसे राज रखना होगा। अच्छा। इसके बारे में किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। पर ऐसा क्यों? इतिहास बताता है कि लोगों को पता चलने के बाद हीरोज पर संकट आ जाती है। जानते हो, उसके बाद कई लोग पीछे पड़ जाते हैं, उसके बाद उनकी अपनी जिंदगी नहीं रह जाती। तो मुझे गुमनाम जिंदगी जीना पड़ेगा, समझ गया मैं। हाँ बोलो मिस्टर टिकटॉक, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा मिस्टर टिकटॉक कौन है? मैं टिकटॉक हूँ, और मैं मॉन्स्टर रिसर्च सेंटर में बायोलॉजिस्ट हूँ। मॉन्स्टर रिसर्च सेंटर, काम को बंदा है। मिस्टर टिकटॉक, क्या आप घर चलना चाहेंगे? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक नए सदस्य से मिलवाना चाहूँगा। टीम में इसके जुड़ने से हमारा यूनियन फोर्स और मजबूत होगा। ये क्या है बॉस? अब जब आप इसे यहाँ लेकर आ ही गए हैं तो मैं इसे अल्टरनेट मेंबर के रूप में रखूंगा, ताकि ये कुछ भी मदद ना कर पाए। क्या अल्टरनेट मेंबर? स्वागत है तुम्हारा। खैर ये भी चलेगा, सोना कहीं भी हो चमकता ही है, और मैं तो 440 वोल्ट का करंट हूँ। और उसी दिन से गट्टू मॉन्स्टर रिसर्च सेंटर का एक मेंबर बन गया, जिसका मतलब है कि उसके आगे की जिंदगी ज्यादा चुनौतीपूर्ण और खतरनाक होने वाली है।